440 ट्रॉली अवैध रेत पकड़ाई, लेकिन रेत माफिया पकड़ से बाहर। नौतपा हुआ खत्म, अब प्री मानसून का इंतजार। माउजर लेकर घूम रहा युवक पकड़ाया, परासिया पुलिस ने की कार्यवाही। बाइक चलाने का शौक पूरा करने के लिए चोरी करते थे वाहन, तीन नाबालिगों पर पुलिस ने की कार्यवाही। और क्षत्रिय राजपूत समाज ने महाराणा प्रताप को किया याद, महाराणा प्रताप जयंती पर निकाली विशाल रैली। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ एकता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। 440 ट्रॉली अवैध रेत का भंडारण खनिज विभाग के द्वारा जब्त किया गया है, लेकिन यह अवैध रेत किसके इशारे पर भंडारण की गई थी, इसकी जानकारी खनिज विभाग और संबंधित ग्राम पंचायत को भी नहीं है। मिली जानकारी के मुताबिक खनिज विभाग की टीम के द्वारा 1 जून को चौरई और चांद तहसील के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया था। विभाग को निरीक्षण के दौरान तहसील चौरई अंतर्गत ग्राम कुकरई पेच नदी के किनारे और शासकीय भूमि मार्ग में खनिज रेत का लगभग 150 ट्रॉली अवैध भंडारण मिला है। इसी तरह तहसील चांद अंतर्गत ग्राम बेल गांव कुलबहरा नदी मरघट के किनारे शासकीय भूमि में खनिज रेत का लगभग 190 ट्रॉली और ग्राम चांदढाना मरघट के किनारे मार्ग पर शासकीय भूमि में खनिज रेत का लगभग 100 ट्रॉली अवैध रेत का भंडारण मिला है। इसे खनिज विभाग के द्वारा खनिज नियम के मुताबिक संबंधित कोटवार और वैध रेत ठेकेदार के सुपुर्द किया गया है, लेकिन सवाल यह है कि इतनी बड़ी मात्रा में रेत का भंडारण होने के बावजूद भी किस रेत माफिया के द्वारा रेत का अवैध भंडारण किया गया था, इसकी जानकारी संबंधित ग्राम पंचायत, पुलिस और खनिज विभाग तीनों को ही नहीं है। जिले में इस बार मार्च महीने से ही सूरज ने अपने तीखे तेवर दिखाना शुरू कर दिए थे। मार्च, अप्रैल और मई के महीने में मौसम का अधिकतम तापमान औसत 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। 25 मई से शुरू हुए नौतपा को लेकर यह अंदेशा लगाया जा रहा था कि इस बार नौतपा बहुत ज्यादा तपने वाला है, लेकिन नौतपा में भी तापमान 40 से 42 डिग्री के बीच ही रहा। हालांकि इस बीच 2 से 3 दिन जिले के कई इलाकों में बारिश भी हुई थी, जिसके कारण न्यूनतम तापमान में उछाल आया था। 25 मई से शुरू हुआ नौतपा 2 जून को समाप्त हो गया है। नौतपा के खत्म होते ही अब किसान खरीफ फसल बोने की तैयारियां शुरू करने लगे हैं। गौरतलब है कि छिंदवाड़ा जिले में 7 जून के बाद दूसरे सप्ताह से प्री मानसून की दस्तक शुरू हो जाती है। मौसम विभाग के मुताबिक इस बार मानसून समय में है। 15 से 20 जून के बीच में जिले में मानसून आने की संभावना है। हालांकि गर्मी से निजात पाने के लिए लोगों को अभी कुछ और समय इंतजार करना पड़ेगा। पारा 15 दिनों तक 40 डिग्री के आसपास ही रहने की संभावना है। कोयलांचल के परासिया थाना अंतर्गत पुलिस ने अपराध करने की नियत से माउजर लेकर घूम रहे युवक को पेचवेली स्कूल के पास पकड़ा है। पुलिस ने उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत कार्यवाही की है। मामले में परासिया पुलिस ने बताया कि पेट्रोल पंप के पास रहने वाले प्रवीण कुमार दमेले, पिता श्रीपाल दमेले, 22 वर्ष, पेचवेली स्कूल के पास अपराध करने की नियत से माउजर लेकर घूम रहा था। मुखबिर की सूचना के बाद पुलिस ने आरोपी प्रवीण और उसके साथी लक्की ठाकुर निवासी गुलाबरा छिंदवाड़ा को पकड़ा है। दोनों के खिलाफ 25-26 आर्म्स एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है। बाइक चलाने के अजीबोगरीब शौक के चलते तीन नाबालिगों को जेल की हवा खानी पड़ी है। पुलिस ने इनके कब्जे से 4 बाइक बरामद की है। पकड़े गए नाबालिगों ने पूछताछ में बताया है कि वो भीड़भाड़ वाले और शादी समारोह जैसे आयोजन से बाइक चोरी करते थे। पुलिस ने तीनों नाबालिगों को पकड़कर किशोर न्यायालय पेश किया है, जहां से उन्हें नरसिंहपुर किशोर सुधार गृह भेजा गया है। मामले में जुन्नार देव पुलिस ने बताया कि 3 दिन पूर्व क्षेत्र में एक वैवाहिक समारोह से 2 बाइक चोरी होने की शिकायत मिलने पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की, तो इसी दौरान तीन नाबालिग बाइक के साथ नजर आए। पुलिस ने इनसे वाहन के दस्तावेज के संबंध में पूछताछ की, तो इनमें से एक औपचारी बालक ने बताया कि उन्हें बाइक चलाने का शौक है, लेकिन घर में बाइक नहीं है, इसलिए वो भीड़भाड़ वाले इलाके से वाहनों की चोरी कर अपना शौक पूरा करते थे। पुलिस ने इनके पास से 4 अलग अलग क्षेत्र से चोरी की गई बाइक बरामद की है। बाइक के साथ नाबालिगों को पकड़ने वाली टीम में प्रेमचंद्र राठी, ASI शरद मालवीय, संदीप चौरसिया, नदीम खान, चंद्रकिशोर रघुवंशी, प्रमोद उइके, राकेश चौरासे शामिल थे। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 482 जयंती गुरुवार को महाराणा प्रताप चौक पर शौर्य और उत्साह के साथ मनाई गई। राजपूत क्षत्रिय समाज द्वारा आयोजित कार्यक्रम में देश के वीर योद्धाओं, वीरांगनाओं की झांकी सजाकर शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें रानी दुर्गावती, रानी पद्मावती, लक्ष्मीबाई की झांकियों ने सभी को आकर्षित किया। महाराणा प्रताप चौक में प्रतिमा पर पूजन माल्यार्पण के साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम के बाद प्रतिमा स्थल से पूजा लॉन के पास स्थित सामाजिक मंगल भवन तक शोभा यात्रा निकाली गई। इस अवसर पर
राजपूत क्षत्रिय समाज के अध्यक्ष शिव भवन सिंह ठाकुर, पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना, पूर्व मंत्री चौधरी चंद्रबान सिंह, कांग्रेस जिलाध्यक्ष विश्वनाथ उक्टे, कांता सदारंग ने प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पूजन अर्चना की। महाराणा प्रताप जी को हम लोग बचपन से ही सुनते हुए आ रहे हैं, उनकी शौर्य गाथा, उनका पराक्रम, और उनके नाम से आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब उनका नाम आता है, उनकी याद आती है, उनकी कहानी सुनते हैं, सबके रोंगटे आज भी खड़े हो जाते हैं। ऐसे वीर पुरुष ने जिसे देश के लिए सब कुछ निछावर कर दिया और आखिर तक उन्होंने अपना कहीं आत्मसमर्पण नहीं किया। ये एक हम सब लोगों के लिए उदाहरण की बात है कि हम अपनी आन मान और शान को बनाए रखने के लिए सिर नहीं झुकने देना, चाहे कुछ भी बर्बाद हो जाए, लेकिन हमारा मान सम्मान और हमारी अपनी सुरक्षा, हमारा प्रदेश, हमारा देश और हमारा शहर अच्छा रहे, ये आज सबकी जरूरत है। अब इतिहास अगर हम पढ़ेंगे तो एक बात हमको कहीं ना कहीं देखना चाहिए। मैंने आते से कहा कि भारत ये सब सपूत जितने हुए ये हमारी वीरांगना बैठी हुई, हमने उनकी गाथा सुनी कि इस देश में महिलाओं का भी पुरुषार्थ कोई कम नहीं, इस देश के अंदर भी इतना पुरुषार्थ हमारे इतिहास के अंदर में हमको मिलता है, मगर ये कमी हिंदू समाज में हमेशा रही है, एकता नहीं, तू बड़ा कि मैं बड़ा, और इस चक्कर में दोनों खड़े और हजार साल गुलाम रहे, और आज भी हमारी मानसिकता में ये कहीं ना कहीं परिवर्तन लाना पड़ेगा। ये देखिए आदमी का जीवन कितना है, 50 साल 60 साल 70 साल। अच्छा 50 60 साल में काम करने की उम्र कितनी रहती है, 25-30 साल। अब वक्त हो चला है फिलहाल छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। क्या आप संतान सुख से वंचित है तो ना हो परेशान, अब आपके घर में भी गूंजेंगी किलकारी। कुसुम IVF छिंदवाड़ा जिले का पहला एडवांस फर्टिलिटी एवं टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, जहां मिल रही है बंधक निवारण की सभी सुविधाएं। 11 सितंबर 2020 को पहले टेस्ट ट्यूब बेबी के साथ शुरू हुई ढेरों सफलताओं के साथ सभी सुविधाएं अब आपके शहर में एक ही छत के नीचे, एक्सपर्ट डॉक्टरों की टीम द्वारा सलाह, अंडा बनाने का इलाज, IVF टेस्ट ट्यूब बेबी, अंडा भ्रूण एवं बीज संग्रहण, डोनर सर्विस, निसंतान दंपति। आज ही संपर्क करें कुसुम IVF, पांडे नर्सिंग होम एवं फ्रैक्चर हॉस्पिटल, पोला ग्राउंड के पास छिंदवाड़ा। सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए अब दिल्ली या इंदौर जाने की जरूरत नहीं, आपके अपने शहर छिंदवाड़ा में निधि श्री अकेडमी में दिल्ली के अनुभवी शिक्षकों द्वारा UPSC और MPPSC की तैयारी, वो भी अंग्रेजी माध्यम में, उच्चतम शिक्षा स्तर, रेगुलर टेस्ट, 3 डेज फ्री डेमो क्लासेस, एडमिशन ओपन। निधि श्री अकेडमी, प्रोफेसर कॉलोनी नियर ट्रेवल म्यूजियम छिंदवाड़ा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7024903666। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में, शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक, डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी MDS, फिक्स दांत एवं 32 लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं, दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स 32 डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकलने लगाने वाली 32। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है, अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स कराटे एसोसिएशन छिंदवाड़ा के कराटे खिलाड़ी विभिन्न आयु वर्ग भोपाल में 3 से 5 जून को आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय कराटे चैंपियनशिप में भाग लेंगे, जिसमें भावना खोबरिया, वंशिका साहू, तेजस्वी गाडरे, मेघना सिंह, रंजना पटले सहित अन्य कराटे खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। सभी कराटे खिलाड़ियों को मध्य प्रदेश कराटे प्रमुख शिहान राजेंद्र सिंह तोमर, ओमकार मुहाबे, हनुमान तिवारी और रविन्द्र जायसवाल ने बधाई दी है। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकायों के आम निर्वाचन 2022 के लिए 1 जून को निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा कर निर्वाचन कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। नगरीय निकायों के निर्वाचन को सुगमता और सरलता से पूर्ण कराने की दृष्टि से कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी सौरभ कुमार सुमन ने गुरुवार को कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित पत्रकार वार्ता में पत्रकारों से विभिन्न विषयों पर चर्चा की और महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की। इस दौरान पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल ने नगरीय निकायों के निर्वाचन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था और
पुलिस बल प्रबंधन के संबंध में जानकारी दी। पत्रकार वार्ता में अपर कलेक्टर और उप जिला निर्वाचन अधिकारी ओपी सनोडिया सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। एनसीसी का वार्षिक प्रशिक्षण शासकीय कन्या शिक्षा परिसर में आयोजित किया जा रहा है। ये कैंप 8 जून तक चलेगा, जिसमें जूनियर डिवीजन के 350 और सीनियर डिवीजन के 150 कैंडिडेट्स भाग ले रहे हैं, जिसमें ऑल इंडिया थल सैनिक कैंप के लिए कैंडिडेट्स का चयन किया जाएगा। कैंप में फायरिंग, ऑप्टिकल, मैप रीडिंग, पीटी, योगा, ड्रिल और हथियार का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कैंप कमांडेंट कर्नल पीजे प्रभाकरण ने कैंप में होने वाली सभी गतिविधियों की जानकारी दी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।